अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो शादियों में आप लोग खाते हैं अक्सर, वह स्पेशल हलवा होता है। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूं। उसके इंग्रेडिएंट्स आप लोग नोट करें, ये हैं 2.5 किलो गाजरें, 1 कप चीनी, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जितनी आपको पसंद हो, और 1 पाव खुश्क दूध है, इसमें लिक्विड दूध नहीं डलेगा, खुश्क डलेगा, और 1/2 पाव खोया है, 4 अदद इलायची सबस, और ये 1/2 पाव देसी घी है जिसकी रेसिपी कल शेयर की थी आपके साथ, जो बलाई से निकाला था फ्रेश। और इसमें सादा घी वो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, उससे टेस्ट मज़े का नहीं आता, इसमें देसी घी ही डलेगा तो ज़्यादा मज़े का बनेगा। और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं, इसके अंदर बादाम, चारों मगज़ और अखरोट हैं, और बाकी आपको जो पसंद हो वो आप अपने हिसाब से डाल दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह बनेगा। अब मैं गाजर डालूँगी इसके अंदर कढ़ाई में, ये मैंने कद्दूकश कर ली थी। और ये 4 अदद इलायची इनको खोल दिया था, तोड़ के इस तरह डाल देंगे और हल्की आंच पे इसको ढक देंगे। अब इसके अंदर मैंने इलायचियाँ डालकर इसको मिक्स कर लिया है, इसको अब हमने इतनी देर पकाना है कि ये गाजरें गल जाएं और इसका पानी खुश्क हो जाए। 1.5 घंटे तक आप इसको चेक करें। इसको मैंने 1/2 घंटे बाद इसका ढक्कन हटाया है, 1/2 घंटा हो गया इसको पकते हुए, देखें इसका पानी भी खुश्क हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। अब ये गाजरें जो हैं गल चुकी हैं अच्छी तरह से, थोड़ा बहुत पानी जो रह गया है इसको खुश्क करेंगे। इसको खुश्क करके इसके अंदर मैं घी डालूंगी, घी जाएगा इसके अंदर, ये पानी हमारा खुश्क हो गया है गाजरों का। अब मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी, एक कप चीनी है ये, इसको मिक्स करेंगे। चीनी डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसके अंदर देसी घी डाल रही हूँ, ये कोशिश करिएगा देसी घी ही हो, डालडा कुकिंग ऑयल में वो टेस्ट नहीं आता जो देसी घी में आता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चीनी का पानी बिल्कुल ड्राई करना है क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है, साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि इसकी भुनाई भी हो जाए अच्छे तरीके से। ये देखें ये इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, विटामिन ई से भरपूर स्वीट डिश है ये, विंटर सीज़न एंजॉय करें, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसको आप 1 वीक तक फ्रिज में रख कर स्टोर कर सकते हैं। ये देखें इसका कलर कितना प्यारा आया। अब मैं इसके अंदर दूध ऐड करूंगी, खुश्क दूध को मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है इसको, ये मैंने अच्छे से खुश्क दूध इसमें मिक्स कर लिया है, इसको लो फ्लेम पे बिल्कुल रखना है, ज़्यादा तेज़ ना हो, हलवा आपका नीचे ना लगे, बहुत ही मज़ेदार बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। चीनी आप लोग अपने हिसाब से यूज़ करिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर।
15 से 20 मिनट तक हमने लो फ्लेम पे इस तरह से चम्मच चलाते रहना है आहिस्ता आहिस्ता से, ताकि हमारा हलवा अच्छे से रेडी हो जाए। हलवा हमारा रेडी है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा खोया डालूंगी, थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए रखेंगे, थोड़ा सा पकाते टाइम डालेंगे, थोड़े से ये ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे इसमें, मिक्स कर लें इसको अच्छे से। ये हलवा हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट्स शेयर ज़रूर करिएगा। ऊपर से ये मैं खोया ऐड करूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये ड्राई फ्रूट। हलवा रेडी हो चुका है। ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह।